हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के टेक न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपना कीमती सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ही ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही डेली टेक न्यूज लाता रहता हूँ। आज की पहली टेक न्यूज जो है आपको वो गैलेक्सी अनपैक 2020 की जो इवेंट हुई दोस्तों उसमें लॉन्च हुई सारे प्रोडक्ट की डिटेल मैं आप लोगों को पहले दे देता हूं, जिसमें सैमसंग ने आज अपना पहला गैलेक्सी जेड फ्लिप जो कि स्मार्टफोन था दोस्तों उसे अनवील कर दिया है, जिसमें आपको 3 कलर वेरियंट देखने को मिल जाएंगे, मिरर पर्पल, मिरर ब्लैक और मिरर गोल्ड। मिरर गोल्ड जो होगा वो एक स्पेशल एडिशन होगा दोस्तों, वो सभी कंट्रीज में लॉन्च नहीं किए जाएंगे, ये सिर्फ स्पेसिफिक कुछ कंट्रीज में आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो दोस्तों लगभग $1,380 में इसे लॉन्च किया गया है और इसकी जो सेल शुरू की जाएगी वो 14 फरवरी से इसकी सेल शुरू कर जाएगी। और वहीं अगर हम इसकी इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपये के आसपास इसकी कीमत निकल के आती है दोस्तों। तो क्या आप इस स्मार्टफोन के लिए आप 1 लाख रुपये खर्च करोगे दोस्तों? अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बता देना। और वहीं अगर हम अगली अपडेट की बात करें दोस्तों तो वो जो आपका है गैलेक्सी 20 फैमिली जो कि गैलेक्सी S20 फैमिली के फ़ोन है दोस्तों, इसके 3 फ़ोन होंगे गैलेक्सी S20, S20 प्लस और S20 अल्ट्रा। इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ इसमें आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया जाएगा। और वहीं इसमें 100 स्पेस जूम तक का भी सपोर्ट दिया जाएगा। और इसकी कीमत की अगर बात कर लेते तो इसकी शुरुआती कीमत रखी गई वो लगभग $999, अगर हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग ₹72,000 के आसपास ये निकल के आती है दोस्तों। और इसकी जो सेल शुरू की जाएगी वो 6 मार्च से ग्लोबली तरीके से शुरू की जाएगी। तो देखते हैं कि सैमसंग इस स्मार्टफोन का 5G वेरिएंट इंडिया में लेके आता है या फिर नहीं, अगर आता है तो किस प्राइस रेंज पे इंडिया में इसे लेकर आता है। वहीं अगर हम अगले अपडेट की बात करें दोस्तों तो वो गैलेक्सी बर्ड प्लस है। गैलेक्सी बर्ड प्लस को भी कल अनवील कर दिया गया। तो अगर हम इसकी डिटेल्स वगैरह की बात करें तो इसे आप एक सिंगल फुल चार्ज के बाद 11 घंटे तक इस्तेमाल कर पाएंगे। और वहीं अगर इसे दोबारा इसके केस में डाल देते हैं दोस्तों तो दोबारा से आप अगले 11 घंटे तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसमें साथ ही साथ आपको 2-way स्पीकर भी दिया गया है। वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात कर लेते हैं तो इसकी जो कीमत रखी गई है वो $149 रखी गई है और इसकी सेल भी 14 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। तो देखते हैं कि इसे इंडिया में भी किस प्राइस रेंज पर लेके आते हैं। इन जितने भी सारे मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया दोस्तों उसे इंडिया में अभी तक कंफर्म नहीं किया गया कि किस प्राइस रेंज पे इसे सैमसंग इंडिया में इन सारे प्रोडक्ट को लेके आएगा। तो बाकी देखते हैं कि सैमसंग क्या और किस प्राइस रेंज पर इंडिया में लेके आता है। और अगली न्यूज ओप्पो को लेके आ रही है दोस्तों। ओप्पो का जो फाइंड X2 है वो आपको बहुत ही जल्द मार्केट में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसकी एक लाइव इमेज भी सामने लीक होके आई है जो कि मैं आप लोगों को दिखला दे रहा हूँ। तो देखते हैं कि ओप्पो अपना यह स्मार्टफोन कब और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। अगली न्यूज वीवो की ओर से निकल के आई है दोस्तों। वीवो का जो V90 Pro है उसकी भी लॉन्चिंग डेट अब लगभग कन्फर्म कर दी गई है। यह फोन आपको 3 मार्च को चाइना के मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि वीवो इस स्मार्टफोन को इंडिया में भी इसी के आसपास के डेट में भी लॉन्च कर सकता है। वही अगली न्यूज़ जो है Mi 10 को लेकर आए दोस्तों। Mi 10 का एक और टीजर सामने निकल के आया जिससे हमें यह पता चल पा रहा है कि जो Xiaomi अपना जो अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि कल आपको लॉन्च करेगा दोस्तों Mi 10, उसके कुछ डिटेल आए हैं जो कि है इसमें 90Hz वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इसमें भी 8K की वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर हम अगली डिटेल की बात करें तो इसमें आपको 50W का फास्ट चार्जिंग का वायर वाला अगर आप चार्ज करते दोस्तों तो वो सपोर्ट मिलेगा और 30W का फास्ट चार्जिंग वायरलेस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो लगता है कि Xiaomi भी अपने इस फोन के साथ बहुत ही ज़्यादा चीज़ लेके आने वाला है दोस्तों। जैसा कि सैमसंग कुछ दिन पर कल ही की बात है दोस्तों, सैमसंग ने S20 के साथ बहुत सारे चीज़ एक स्मार्टफोन में भर भर कर डाला हुआ, ऐसे ही हो सकता है Xiaomi अपने Mi 10 में भी बहुत सारे चीज़ लेके
आएगा। तो देखते हैं कि Xiaomi इस स्मार्टफोन को इंडिया में लेके आता है, अगर आता है तो किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। वहीं अगर हम अगले अपडेट की बात करें दोस्तों, तो वो अगले अपडेट Honor को लेके आ रही है। Honor का जो Honor 30 सीरीज है वो आपको अप्रैल के महीने में देखने को मिल जाएगा। उसमें उम्मीद की जा रही है कि आपको किरिन वाला 990 का जो 5G प्रोसेसर है वो देखने को इसमें मिल जाता है। तो बाकी देखते हैं कि Honor इस स्मार्टफोन के साथ भी क्या और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। अगली अपडेट IQ3 को लेकर आ रही है दोस्तों। IQ3 5G जो वेरिएंट हुआ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी टेक न्यूज में बताया था कि इस स्मार्टफोन को 25 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। आज इसकी कंफर्मेशन भी आ गई है कि जी हाँ, इसे आपको 25 फरवरी को चाइना में देखने को मिल जाएगा। इंडिया लॉन्चिंग डेट तो अभी कंफर्म नहीं की गई है और ना ही इसके जो इवेंट होंगे उसे आप लाइव स्ट्रीमिंग देख पाएंगे या नहीं, ये भी अभी कंफर्मेशन नहीं निकल के आ पाई है। जैसे आगे इसके बारे में कोई डिटेल आएगी मैं आपको अपने टेक न्यूज़ में ज़रूर से बतला दूंगा। वहीं अगली टेक न्यूज जो है वो वन प्लस को लेके आ रही है। वन प्लस अपना जो है नया पावर बैंक बहुत ही जल्द लेके आने वाला दोस्तों। वन प्लस के एक लीक के मुताबिक पता चल पाया कि वन प्लस 8 के जो लॉन्चिंग इवेंट होंगे उसमें वन प्लस अपना नया पावर बैंक भी शोकेस कर सकता है। तो देखते हैं कि वन प्लस इस नए प्रोडक्ट के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ क्या और किस प्राइस रेंज पर लेके आता है। वहीं अगली अपडेट जो आपको एप्पल की ओर से देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो एप्पल का एयरपोड्स प्रो था उसका एक नया वेरिएंट बहुत ही जल्द एप्पल अपने इस नए मार्केट में लेके आने वाला है, जो कि एप्पल का एयरपोड्स प्रो लाइट वर्जन होगा दोस्तों। इसमें आपको कीमत में भी बहुत कम दिखेगी और इसमें कुछ लाइटर और भी मतलब कुछ फीचर्स को कम कर दिया गया दोस्तों। तो देखते हैं कि एप्पल ऐसा प्रोडक्ट को सच में लेके आता है या फिर ये लीक ऐसे ही सामने निकल के आई। अगर आगे कोई इसकी और भी डिटेल आएगी मैं आप लोगों को अपने टेक न्यूज़ में ज़रूर से बतला दूंगा। वहीं अगले जो टेक न्यूज़ है और आखिरी टेक न्यूज़ दोस्तों वो फेसबुक की ओर से निकल के आ रही है। फेसबुक ने अपना एक नया जो मुहिम है वो शुरू कर दिया, जो कि है वी थिंक डिजिटल, जिसे कल 11 फरवरी को शुरू किया गया दोस्तों। इसे सबसे पहले यूपी में शुरू किया गया था, जिसमें यह सबको अवेयरनेस फैलाना था कि हम अपने प्राइवेसी को कैसे सेफ कर सकते हैं और इस डिजिटल इंटरनेट की दुनिया से अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं। तो फेसबुक एक बहुत ही अच्छा पहल कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कि बाकी यह जो मुहिम है यह कहाँ तक और जा पाता है। बस आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे डेली टेक न्यूज़ लाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ही मत भूलना दोस्तों। बस जय हिंद जय भारत।